हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक अनदर मेथड की, जिसका नाम है कैनोनिकल फॉर्म। स्टूडेंट्स, इस मेथड के माध्यम से एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में किस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है, जिसका कंप्लीट प्रोसेस इससे बिफोर वीडियो में देख चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को बेटर में तरीके से समझने के लिए पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, इसका बिफोर वीडियो जो अपलोड किया गया है, उसे देखिए, जिससे आपको जो ये मेथड है कैनोनिकल फॉर्म का कंप्लीट समझ में आए। तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेके आए आज। रिड्यूस द इक्वेशंस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज टू कन्वर्ट कैनोनिकल फॉर्म। अब इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब देखते हैं किस टाइप से सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज किस टाइप से राइट कर सकते हैं। याद कीजिए, पी को क्या राइट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्यू को राइट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई। आर को राइट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और एस को राइट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और टी को राइट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आर को क्या राइट करेंगे, आर राइट होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्व टू जीरो। इस इक्वेशन इसकी जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो देखो, यहाँ पे स्मॉल आर का कोफिशियंट कैपिटल आर है, या स्मॉल आर का कोफिशियंट कितना है, वन। सो कैपिटल आर इजगल टू कितना हो गया, वन। एस का कोफिशियंट है नहीं यहाँ पे, तो एस इजगल टू क्या होगा, कैपिटल एस इजगल टू जीरो। कैपिटल टी इजगल टू कितना कोफिशियंट है, माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू जीरो होती है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आर स्क्वायर, एस की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर इजगल टू क्या होगा, जीरो। सो लैम्डा इजगल टू क्या हो गया, प्लस माइनस एक्स। लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स। क्लियर। कॉरस्पॉन्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू लैम प्लस लैम्डा टू इजगल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए गाइस, लैम्डा वन इजगल टू एक्स होता है और लैम्डा टू इजगल टू माइनस एक्स ले लेते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लैम्डा वन की एक्स हो गई इजगल टू जीरो, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इजगल टू जीरो। ऑन इंटीग्रेटिंग तो डी वाई का तो हो गया वाई प्लस एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू इजगल टू कॉन्स्टेंट आ गया सी वन, यहाँ होगा डी वाई का हो गया वाई, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट आ गया सी टू। क्लियर। आगे को सॉल्व करते हैं। लेट u इक्वल वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एंड
वी इक्वल वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, क्या वैल्यू आएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स की, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई, देखो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू से टू कैंसिल तो एक्स हो गया, डेल यू अपॉन डेल वाई वन होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, वन हो गया। क्लियर? अब वैल्यू राइट करनी है अपन को, क्या चाहिए आपकी वैल्यू, देखो यहाँ पे सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है जेड किसका फंक्शन हो गया, यू और वी में कन्वर्ट हो गया, और यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के, ये किसके फंक्शन थे, और जेड किसका हो गया, यू एंड वी का। क्लियर? आगे देखते हैं, अब निकालनी वैल्यू पी की, तो पी इजल टू होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्लियर? इसे राइट कर सकते हैं डेल अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स। यू किसका फंक्शन था, एक्स एंड वाई, यू एंड वी का, जेड था यू एंड वी का और यू एंड वी फंक्शन थे एक्स एंड वाई के, तो डेल जेड अपॉन डेल वी डॉट डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्लियर है? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स, ये हो गया x डेल जेड अपॉन डेल यू। क्लियर? साइन किसका, प्लस का, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस आ गई, तो माइनस का x आ गया और डेल जेड अपॉन डेल वी हो गया। क्लियर है? अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो इसको देखिए क्या क्या वैल्यू आ गई अपने पास। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रही वो देखते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होगी x डेल अपॉन डेल यू माइनस डेल अपॉन डेल वी कोमा डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल वी। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, काम आएगी वैल्यू ये अपने जब गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब। अब वैल्यू चाहिए क्यू की, क्यू क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये होगा डेल जेड अपॉन डेल u डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई। वैल्यू सबसे डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू वन, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू वन, तो ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। क्लियर? तो डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। ये इक्वेशंस भी काम आएगी, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आर की इक्वेशन को फाइंड आउट करना, एंड आर इज इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसे राइट कर सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्लियर? इसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसी तरह एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये रही डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। क्लियर? अब इसका यू डॉट वी से डिफरेंशियल, तो एक्स को रिमूव किया, इसका डिफरेंशियल क्या होगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। प्लस का साइन आएगा, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया वन, और ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। इज दैट क्लियर? नाउ आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे राइट कर सकते हैं। देखो एक्स एज इट इज हो गया, इसे राइट कर सकते हैं डेल अपॉन डेल यू, और ये एज इट इज डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का साइन डेल अपॉन डेल वी डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी डॉट डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्लियर? और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू
माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये एक्स एज इट इज हो गया, इसको इस मल्टीप्लाई क्या हो गया, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर हो गया माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी हो गया, और साथ में डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स, प्लस का साइन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी डेल यू हो गया, माइनस आ गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर हो गया, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स, प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, और बाहर एक्स हो गया, माइनस प्लस ये माइनस आ गया, ये एक्स हो गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी डेल यू माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। एक्स कॉमन ले लो दोनों से, ये तो बाहर बन गया एक्स स्क्वायर। अब जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, देखिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। क्लियर, माइनस का साइन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी डेल यू एंड माइनस माइनस हो गया प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। क्लियर, प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। आगे देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये सोल्व करोगे तो क्या हो गया, देखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर ये दोनों इक्वल है, तो माइनस का टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। ये वैल्यू आ गई आर की, इम्पोर्टेंट है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तब काम आएगी। अब वैल्यू चाहिए आपको टी की, टी इज इक्वल टू क्या था डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसे राइट कर सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई। क्लियर है, तो डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, और इसकी वैल्यू थी डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। जब इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू आई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर प्लस टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। क्लियर, ये आगे टी की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आर की एस की टी की, पुटिंग आर एस टी इन गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन क्या थी अपने पास आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इजल टू जीरो, इसमें अपन क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट। अब R की वैल्यू राइट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल R की वैल्यू अपने पास ये रही, R की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस ट्वाइज डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस का साइन डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। ये होगी आर की वैल्यू।
फिर माइनस का साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब चाहिए टी की वैल्यू थी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस का ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आती है देखते हैं। ये हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होगी। एक बार राइट कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी माइनस एक्स स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी आ गया, और माइनस एक्स स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होगी, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होगी, तो माइनस माइनस हो गया, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल सॉरी प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी, ये वैल्यू अपने पास आ रही है इक्वल जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस टर्म को रिप्लेस किया तो क्या आ गया अपने पास, फोर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल आ गया डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। क्लियर? इसे राइट कर सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर हो गया डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। क्लियर? आगे देखिए, अब यहाँ से ये तो अपन ये यू जो कॉनिकली फॉर्म में होना क्या चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है वो यू और वी के टर्म में होना चाहिए, बट यहाँ एक्स आ रहा है। तो देखिए अपने पास स्टार्टिंग में यू और वी लेट किया था, याद कीजिए यू इज इक्वल टू क्या था अपने पास वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एंड वी इक्वल था अपने पास वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। क्लियर? यहाँ से सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट करते ये माइनस टर्म हो गई, ये माइनस ये प्लस हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया वाई से वाई, तो ये क्या बन गया यू माइनस वी बन गया, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यू माइनस वी, तो ये हो गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। इसे राइट कर सकते हैं वन अपॉन फोर यू माइनस वी डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, जो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थैंक यू।